राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आम इंसान के साथ साथ खास लोग भी कोरोना के जद में आ रहे हैं और लगातार कोरोना से लोगों की मृत्यु भी हो रही है। हम इस वक्त खुद मौजूद हैं राजधानी पटना के बांस घाट पर। आपको बता दें कि पहले की अपेक्षा जहाँ पहले 25 से 30 लाशें बांस घाट पर पहुँचा करती थी, वो आज के समय में 80 से 100 लाशें प्रतिदिन बांस घाट पर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगा कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है और मृत्यु लगातार हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जिस वजह से जो बांस घाट के समीप जो जो अंतिम संस्कार के जो सामान बेचने वाले जो लोग हैं, लकड़ियों के दाम और जो सामग्री के दाम हैं उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से इनका रेट फिक्स कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लकड़ी का जिस पर चिता को जलाई जाती है उसके रेट में 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जो राम राम करके जो कफन होता है उसकी भी दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। जहाँ पहले 25 रुपये में मिला करता था, वो अब लगभग 80 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें कि नाऊ हजाम के भी और जो डोम है उनका भी रेट बढ़ गया मनमाना तरीके से। वो आम इंसान के परिजनों से, जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिजनों से वसूल रहे हैं। जहाँ पर पहले अंतिम संस्कार के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च हुआ करता था, उस वो आज के समय में 25 हज़ार रुपये लगभग खर्च हो रहा है। अच्छा, तो नगर निगम के तरफ से जो भी खर्च के लिए है उस पर एक लिमिट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सामग्री बेचने वाले हैं, लकड़ी बेचने वाले जो लोग हैं, वो मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं, जिस वजह से जो जिनके जो कोरोना संक्रमित के परिजन हैं उनको कहीं ना कहीं उनके आर्थिक बोझ पड़ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार के लिए देना पड़ रहा है। फिलहाल पटना सिटी भारत के लिए राहुल सिंह।